please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पटना से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे चंद्रमोहन कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से जुड़े रेलवे होटल टेंडर घोटाले के मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए उनके परिवार से जुड़े एक मॉल की संपत्ति को जब्त कर लिया है, जिसकी जानकारी ईडी ने मॉल के बाहर नोटिस चिपका कर दी है। आरोप है कि बगैर नक्शे के मॉल बनाने का काम अवैध तरीके से किया जा रहा था और उसकी मिट्टी को एक चिड़ियाघर को बेचा जा रहा था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मॉल के अवैध निर्माण का पर्दाफाश किया था और अब कोर्ट के आदेश पर उस मॉल को सील कर दिया गया है। जबरदस्ती का जिन लोगों ने दुरुपयोग करके एजेंसियों का जो सहारा लेकर के जो लोग चाहते हैं कि डराया या धमकाया जाए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये काम लालू यादव के खिलाफ आज से थोड़ी हो रहा है, उनको और उनके परिवार को लगातार इसलिए परेशान किया जा रहा है कि उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत की है। इसी तरह से जो जो पार्टी के लोग ज़्यादा वोकल हैं उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, जैसे राहुल जी के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए और मजीद किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुकदमे दायर करने की राजनीति, सरकार को इस्तेमाल करने की राजनीति, ईडी को और सीबीआई को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स को यूज़ करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के दौर में बिल्कुल पीक पर है। भैयू जी महाराज का आज इंदौर में अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस बीच भैयू जी का एक नया सुसाइड नोट सामने आया है। इस सुसाइड नोट के मुताबिक भैयू जी महाराज ने अपने सबसे करीबी सेवादार विनायक को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। आपको बता दें कि कल रिवॉल्वर से भैयू जी महाराज ने अपनी कनपटी पर गोली मार ली थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले भी एक सुसाइड नोट सामने आया था जिसमें आत्महत्या की वजह तनाव बताया गया था, मानसिक तनाव बताया गया था, लेकिन अब एक और नया सुसाइड नोट सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की बात लिखी है। भैयू महाराज की खुदकुशी का खत दो भागों में था। पहला पन्ना तो सामने आ गया लेकिन एक दूसरा पन्ना भी है जिसमें उनके सबसे खास सेवादार विनायक का नाम है। विनायक को भैयू महाराज ने सारी जो साइनिंग अथॉरिटी होती है, अपने तमाम संपत्ति के अधिकार, और ये भी लिखा है कि मेरा सबसे विश्वसनीय भरोसेमंद आदमी है विनायक। इस वक्त हमारे साथ हैं DIG इंदौर रेंज के HN चारी मिश्र। सर विनायक कौन है? सर विनायक, हाँ, प्रारंभिक जो जांच में जो परिजनों से बात हुई उसमें एक विनायक हैं जो इनके साथ लगभग 15-16 वर्षों से इनके साथ रहते थे, इनकी व्यक्तिगत तौर पे इनकी देखभाल करते थे और इन्हें काफ़ी वो विश्वसनीय मानते थे। तो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं शायद इसी कारण से उन्होंने ऐसी बात लिखी होगी, लेकिन ये तय था कि वो पिछले 15-16 सालों से लगातार इनके साथ थे और इनकी देखभाल कर